Nothing is impossible. So just do it. Make your dreams come true. तो गाइस स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नई वीडियो में। और आज से यहाँ पर मैं करने वाला हूँ एगी पार्टी के अंदर रैंक पुश। तो भाई फिलहाल हूँ मैं यहाँ पर चिकन एक लेवल 2 के ऊपर, और जैसे मुझे यहाँ पर 1 स्टार मिलेगा मैं चिकन एक लेवल 1 पे आ जाऊंगा, फिर 5 स्टार और मिलेगा मैं गूस एक पे पहुंच जाऊंगा। और रैंक पुश करने के लिए ना मैं यहाँ पर खेलूंगा 10 मैच, और हर मैच के अंदर मैं जिस राउंड के अंदर भी हारूंगा ना उसका आपको दिखा दूंगा, और वो हारने के बाद मुझे कितने पॉइंट मिले वो दिखा दूंगा, या तो अगर जीतने के बाद मुझे कितने पॉइंट मिले बस वही दिखाऊंगा आपको। अगर आपको अभी भी नहीं समझा तो आप गेम वीडियो को देखो, आप समझ जाएगा मैं क्या करने वाला हूँ आगे। तो मैं शुरू करते अपने पहले मैच से यहाँ पर, और आप यहाँ पर आ चुका भाई मेरे पहले मैच का आखिरी राउंड यहाँ पर स्टार्ट होगा जिसका नाम है आर्चरी प्रैक्टिस। भाई ये राउंड एक नंबर लगता है मेरे को। इसके अंदर ना भाई तीर कमान चला के आपको अपने एनिमी को मारना पड़ता है। भाई मैं इसको 2 बार खेल चुका हूं, पहले भी दोनों बार मैं हारा था, और यहाँ पर देखते इस बार जीत पाता होगी नहीं। और यहाँ पर भाई एकदम आराम से, और वो अभी वो पीछे कूद गया था, मुझे लगा गिर गया वो, लेकिन बच गया वहाँ पर। और इसको मारो भाई, इसमें ना निशाना लगाना बहुत मुश्किल है, इसके अंदर चिपक के मार ही नहीं सकते, दूर से मारना पड़ेगा यहाँ पर। और जितनी हेल्थ कम रहेगी भाई उतना ना आपको जोर से पड़ेगा, तो हेल्थ अपने को ज्यादा रखने इस बात का ध्यान रखें कि हेल्थ ज्यादा रहे अपनी। यहाँ पर आराम से भाई भागते, वहाँ पर मुझे पॉइंट दिख चुका है भाई, पॉइंट उठाना यहाँ पर, अभी उठा ले भाई, अरे उठा ले भाई यार, उठाते नहीं जल्दी। और यहाँ पर भाई जितना जोर से दबा कर रखे उतना जोर से मारेगा ये। और यहाँ पर भाई बिजली मारते उसने भागा यहाँ से, और मैं फालतू वहाँ पर बम वाली एबिलिटी लगा के घुस गया था भाई। बम वाली एबिलिटी ना एक नंबर है उसके अंदर, जो बम हपूर बम बन के जो फटते ना भाई एक नंबर रहता है वो। और जितना देखो मैं दबा कर रखूँगा ना भाई नहीं लगा उसको यार, मुझे लगा सामने आएगा मार दूंगा अभी यार। अच्छा अच्छा अच्छा, हम लोग आर्चरी से खींच के रखेंगे ना तो अपना प्लेयर अटक जाएगा एक जगह पर, मतलब वो नेम लगाने लगेगा और फट गया भाई उसके मुँह पे मैं। और मेरी हेल्थ तो भी अच्छी खासी यहाँ पर भाई, ये उठाते रहेंगे ना आपका डैमेज बढ़ता रहे। और यहाँ पर यार वो नहीं लगा, उसकी हेल्थ एकदम कम है भाई, उसकी हेल्थ एकदम कम है। और ये बिजली कौन लगा रहा भाई इतनी ज़्यादा, बिजली लगा के उसने वाट लगा दिया, और बम को छूने का नहीं भाई, बम फटेगा आपकी हेल्थ जाएगी। और यहाँ पर चार लोग गिर गए, अच्छा 4 लोग बचे यहाँ पर, 2 लोग गिरे बस, और 4 में से भी एक मैं हूँ। ऐसा नहीं कि भाई 4 लोग गिरेंगे तो मैं जीतूंगा, 3 लोग गिर जाएंगे तो मैं जीतूंगा। और भाई मार दिया उसको मैंने इतना दूर, देखो पर टीवी में बन के आता है अगर हम लोग किसी को दूर से मार देंगे तो। और यहाँ पर भाई अरे भाई बिजली मारते भाग यहाँ से, मैं बम बन के फटाऊंगा इसके ऊपर, और पड़ गया उसको, उसकी हेल्थ एकदम कम भाई, उसकी हेल्थ एकदम कम है, और लग गया भाई अभी तीन उसको निशाने से मारा मैंने, तीन उसकी हेल्थ की एकदम वाट लगी पड़ी वहाँ पर। और भाई जाने वाला फटाक से भाई जितना हो सकता होता जमा करो, ये तो भाई लेता ही नहीं जल्दी फटाक से ये। यहाँ पर भाई उठा ले एक नंबर भाई, एक नंबर इसकी हेल्थ पीले पे है ये। और यहाँ पर भाई क्या दे रहा है ये मेरे को, ये भाई बम बन के फट जाऊंगा उसके मुंह पे भाई, दूर भागो पहले, तीर बहुत बुरा मार रहा हूँ। और इसको पड़ चुके हैं वहाँ पर, एक और तीर यहाँ पर भाई टकराते हैं लोग मुँह पे, एक तीर अरे नहीं लगी यार, अबे लगी नहीं रही लोगों को। और यहाँ पर है ना भाई ये मैप पे ना डाइव मत मारना कुछ भी करके, मैं पीछे बार डाइव मारता मेरे को भाई बहुत बुरा मारते लोग ने फिर, क्योंकि डाइव मारने बाद। और यहाँ पर हम उड़ चुका है ये, और ये बम बन के फटेगा भाई, भागो इससे दूर, मेरे को लगा नहीं लेकिन। और यहाँ पर मैंने उसको मार दिया भाई, तीर घसीट के मारा उसको मैंने वहाँ पर, लेकिन भाई निशाना लग जाए इसके मुँह पर बस, अरे रे वो सामने आया नहीं वहाँ पर। और अबे अच्छा हम लोग बम वाली तीर को उठा सकते हैं ऐसे करके, मैं फालतू से डर के भाग रहा था, मुझे लगा बम से डचेंगे फट जाएंगे अपन भाई, एक नंबर मार दिया उसको मैंने। और यहाँ पर एक और तीर लग गई है उसको भाई, गिरेगा ये गिरने वाला भाई, गिरने वाला यहाँ पर पड़ गया है, अरे बच गया गिर वो, अबे अटक गया खुद के उसमें अटक गया, कैसे उड़ गया देखो ऊपर उड़ गया वो भाई, गिरता भाई नीचे गिरता एक बार भाई नीचे गिर के उसको फेंक दूंगा दूर, बम फट जाएगा मेरा। और अबे उधरी खड़ाएगा वो, अबे बम नहीं फोड़ पाया मैं उसके मुंह पे, और वो पूरा मार रहा भाई कूद के भाई, गिरता भाई मेरे गिरता, अबे भाई भाई हट जा अटका दिया उसने मेरे को खींच के मारना पड़ेगा उसको भाई, मेरे को बम बन के फटना पड़ेगा उसके मुँह के ऊपर, मेरी हेल्थी भाई मैं हार जाऊँगा यार, मेरे को भाई बम बन के फटना पड़ेगा, रुको बम बन के ना रोल मारूंगा यहाँ पर भी, और उससे टच उतरूंगा यहाँ पर, और यहाँ पर गिरा दिया भाई, उड़ा दिया मैंने उसको बम बन के यहाँ पर उड़ा दिया यार, एक नंबर। चलो भाई पहला मैच यहाँ पर मैं जीत गया अपना, अब देखते हैं मेरी रैंक कितनी बड़ी इसके अंदर। तो यहाँ पर अभी दिखाएगा यहाँ पर मुझे मिल गया है 2 स्टार यहाँ पर मिले मेरे को, और यहाँ पर अभी यार सिर्फ 10 पॉइंट से रह गया यार, मुझे 3 स्टार यहाँ पर मिल जाते, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं आ चुका चिकन एक 1 पे। और अब मैं पहुंच चुका हूँ सेकंड मैच का अपने फाइनल राउंड के, जिसका नाम है रेंज फाइट नाम है भाई इसका। इसके अंदर भाई जो पाना रहता है ना, पाना वो फेंक के मारना अपने को, जो मतलब अपने वो स्क्रू टाइट वो सब करने के काम में आता है पाना, वो लेकर अपने को फेंक के मारना सबको यहाँ पर। तो पहला मैच तो भाई जीत के तो आराम से भाई 2 स्टार निकाल लेता मैंने, उसमें मेरे को 3 स्टार मिलता यार अगर सिर्फ 10 पॉइंट और मिलता मेरे को। और उसके अंदर भाई रैंक पुश के अंदर एक बात ठीक है, मतलब ऐसे नहीं रहता कि अगर तुम लोग जीतोगे तो ही तुमको इतना पॉइंट मिलेगा भाई, तुम्हारी रैंकिंग भी मैटर करती है इसके अंदर। और आखिरी राउंड हमेशा एलिमिनेशन मैप आता है, और यहाँ पर अबे यार फेंक दिया उसने मेरे को यार, शिट भाई मैं देख ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर, क्या गंदा हार गया भाई, सबसे पहले मैं गिर गया यहाँ पर यार, क्या गंदा गिरा यार। अब देखते भाई रैंकिंग में कुछ भी प्लस होता है कि नहीं मेरे यहाँ पर, यहाँ पर देखते अभी भाई, यहाँ पर भी 1 पॉइंट मिला मेरे को यहाँ पर, और एक नंबर भाई। चलो यहाँ पर मेरे को 2 स्टार मिल जाएंगे अभी, क्योंकि मैं फाइनल राउंड में था उसका 1 स्टार, और यहाँ पर मेरा लेवल वो बढ़ गया पूरा, उस पर 1 स्टार मिल गया। चलो भाई 2 स्टार मिल गया इस बार में। और अब मैं यहाँ पर पहुंच चुका हूँ तीसरे मैच के तीसरे राउंड के अंदर, जिसका नाम है भाई मैकपीस, ऐसे नाम था कुछ इसका अजीब सा, वैसे मैं लिख के डाल दूंगा ऊपर, तो आप लोग पढ़ लेना मैप का नाम क्या था, मैकपीस मीटिंग ऐसा कुछ नाम था, मैकपीस मीटिंग ऐसा कुछ नाम है इसका अजीब नाम है। और स्टार्टिंग में दरवाजे लग रहे थे इसके अंदर, और तीनों दरवाजा खुलेगा ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि एक दरवाजा गलत है, दो दरवाजा सही है। और यहाँ पर मुझे भाई स्पाइडरमैन की एबिलिटी आ चुकी है मेरे हाथ में भाई, मैं जाला फेंक के घुसूंगा अंदर सीधा आगे। यहाँ पर उड़ी मार के अभी कुछ ज्यादा उड़ गया भाई, कुछ ज्यादा उड़ गया मैं, कुछ ज्यादा उड़ गया और फालतू इतना पीछे, और यहाँ पर भाई चढ़ नहीं पा रहा मैं, क्या बात है भाई क्या बात है, इसके अंदर हार जाऊंगा भाई, मेरे को लग रहा है इसके अंदर हारूंगा। यहाँ पर टाइप मार दिया यार, क्या गंदी जगह कूदा मैंने, क्या गंदा खेल रहा है यार, ऊपर से भाई लोग भाई क्या लड़खड़ाते हुए जा रहे इसके अंदर भाई, ऊपर कूदो
चुपचाप निकलो आगे। और मैं ग्राफिक कमरे के खेलो इसलिए इसका पानी ऐसा दिख रहा है कि भाई ग्राफिक अगर बढ़ा के खेलूंगा मेरा गेम लैग खाएगा। यहाँ पर चढ़ जा भाई, गेम लैग होने लगता है ग्राफिक अगर फुल पे रखूंगा तो। वैसे कम पे भी अच्छा ही दिख रहा है ये, फुल पे तो भाई फुल पे इतना प्यारा लगता ना गेम यार, ऐसे देख के लगता पीसी का गेम है ये अगर फुल पे रख के खेलने लगूंगा तो। और यहाँ पर अभी गिर गया यार शेर भाई, गिर गया। और यहाँ पर आ जा इसके ऊपर। और ये गेम वाले भाई गेम को ना 2 साल से बनाया जा रही है गेम को, और अब तक इन्होंने पूरा लॉन्च भी नहीं करे, सॉफ्ट लॉन्च करे अभी बस इसको फिलीपींस के अंदर। और यहाँ पर मेरा मन कर रहा भाई इसका नाम है वो पास खरीद दो यार, ऐसा मन कर रहा मेरा, क्योंकि ना इसकी एक बात अच्छी है ना इसके अंदर जो पास हम लोग को मिलेगा ना वो मतलब 360 रुपये का मिलेगा, तो 360 रुपये में अपने यहाँ पर भाई डाइव मार गया इसके ऊपर भाई, भाई यार गिर गया नीचे। और 360 रुपये अपने 300 कॉइन मिलेंगे जिससे अपने को मतलब पास मिल जाएगा। और जैसे अगर आपको पास मिलेगा ना आपको सिर्फ 45 लेवल क्लियर करना है पास के अंदर, आपको 300 कॉइन और रिटर्न मिल जाएंगे यार, मतलब क्या सही है वो। एक बार पास खरीद लो फिर हर चीज़ का पास फ्री में मिलता रहेगा आपको, तो अच्छा रहता है। और यहाँ पर चलो मैं कर गया क्वालीफाई राउंड के अंदर एकदम आराम से। तो गाइस यहाँ पर चालू हो चुका है 30 सेकंड का टाइमर चालू हो चुका है यहाँ पर, और अभी तक भाई मेरे अलावा कोई क्वालीफाई नहीं करा इसके अंदर। मैं कब से क्वालीफाई करके टाइम पास किया जा रहा है इसके अंदर यार, ऐसा बिना कुछ बोले मैं टाइम पास कर रहा था। मुझे लगा भाई इन लोग मतलब आएंगे आराम आराम से 8 लोग क्वालीफाई कर देंगे इसके अंदर, और मुझे नहीं लगता भाई कोई क्वालीफाई कर पाया लोग में, क्योंकि भाई देखो वहाँ पर लोग आपस में लड़ाई करे जा रहे बस, और अभी तक कोई पहुँचा नहीं इसके आसपास भी। देखो एकदम भाई बीच वाले टाइल पर कोई नहीं पहुँचा, यहाँ तक तो दूर की बात है कोई पहुँच जाएगा। यहाँ पर ये टाइल का आर पर गायब हो जा रही बार बार, और ये लोग भाई पता नहीं कैसे भाई कैसा खेल रहे हैं ये लोग। और अगर भाई अब 4 सेकंड के अंदर कोई आया नहीं ना तो एकदम आराम से भाई आधा राउंड मैच जीत जाऊंगा एकदम आराम से। और मैं जीत गया भाई 3rd राउंड में, मैं जीत गया रेसिंग वाले मैप में यार, रेसिंग वाले मैप में जीत गया। लेकिन देखते भाई मेरे को कितना स्टार मिलता है इस बार भी। और यहाँ पर अब दिखाएगा भाई कितना स्टार, यहाँ पर मेरे को 2 स्टार यहाँ पर मिलेगा जीतने के लिए। और अभी यार थोड़ा सा रह गया बस भाई, 5 पॉइंट और मिलता मुझे 3 स्टार मिलते। लेकिन यहाँ पर भाई मैं घूस एक 4 पे आ चुका हूँ, यहाँ पर अभी भाई 5 पे आ गया, घूस एक 5 पे आ चुका हूँ, तो एकदम आराम से भाई मैं घूस एक पे पहुंच गया। लेकिन अभी भी मेरे साथ में यहाँ पर बाकी, देखते कितना आगे पहुंच पाता हूँ आगे में, इसमें मैं हार जाऊंगा भाई एकदम टट्टी मैप है सही बता रहा हूँ, हुरे फोर इस नाम इस मैप का। और यहाँ पर भाई एकदम आराम से ये देखना पड़ेगा राइट या लेफ्ट करता है, लेफ्ट चलो लेफ्ट, यहाँ पर एक कर दिया मैंने, पूरा 30 करना पड़ता है, इतना दिमाग खराब ये लेवल है ना भाई कसम से, मेरे से हो ही नहीं पाता है लेवल, बस एक बार मेरे से क्लियर हुआ था कि लेवल मेरे से बस, और पता नहीं कैसे हो गया था उसके अंदर भाई 16 राउंड हो गए थे, इसने कुछ भी ऐसा अपने को झटका नहीं दिया था। यहाँ पर चलो बराबर चल रहा है ये 8 हो गए। और यहाँ पर अरे ये देखो अच्छा अच्छा चलो भाई राइट वाला करा इसने वापस से, एक बार झटके में राइट वाला देख के राइट वाला करा वापस से। और यही अरे यार चलो एक बज गया मैं, मेरे एक और पॉइंट जाता नहीं तो यहाँ पर, और चलो एकदम आराम आराम से भाई, ज़्यादा आराम से करेंगे ना ये पॉइंट खा जाएगा फिर अपने आप ही। देखो यही मैं बोल रहा था यहाँ पर ये अभी क्या यार, 2 दिन चलेगा मेरे। और यहाँ पर ये राइट वाला चलो एक और राइट हक दिया मैंने यार, हक दिया यार गंदा हगा एकदम हट यार। और अब देखते हैं यहाँ पर भाई कितना स्टार मिलेगा मेरे को, एक भी नहीं मिलने वाला, एक भी नहीं मिलने वाला यहाँ पर भाई, कोई स्टार नहीं मिला मेरे को इसके अंदर, क्या गंदा 2nd राउंड में हार गया मैं अपने हट यार। और अब मैं यहाँ पर भाई बहुत गिर पड़ के पहुंच गया अपने फाइनल राउंड के अंदर, जिसका नाम है लुकआउट बिलो नाम है इसका। इसके अंदर भाई कैनन में से अपने ऊपर ऑब्स्टिकल फेंकते रहेगा वहाँ से, वो हम लोग को बचने करेगा। और यहाँ पर भाई मेरा नेट लैग खराब पता नहीं कहीं के लिए, अभी अभी भाई गेम के अंदर अपडेट आया यहाँ पर, और भाई नेट लैग जो भाई जो इस लोग ने पिंग खराब करे ना गेम की, क्या बोलूँ मैं, और पता नहीं कब सही करेंगे यार इसको। अभी इतना अच्छा गेम चल रहा था यार, अपडेट डाल के पिंग खराब हो गई इसके अंदर की, बिना कोई लैग हुए एकदम सुकून का गेम चल रहा था। पिंग भाई वाट लगे पूरी पिंग के, देखो 200 के नीचे भाई मेरी पिंग जा ही नहीं रही है, 180 दिखाती है भाई, पहले इतना अच्छा 110-120 पे आती थी बिना कोई लैग हुए। और यहाँ पर भाई बहुत बच के खेलना पड़ेगा यहाँ पर मेरे को अभी, और फट जा अभी नहीं लगा उसको यार, नहीं लगा। और हेल्थ को ले लो सबके, और मारो एक नंबर भाई, गिर गया वो, मार के गिरा दिया उसने वहाँ पर उसको। अरे भाई भाई वाट लगे यहाँ पर भाई, बचा बचा चलो बच गया भाई बच गया। एक तो नेट लैग इतना खा रहा है ना भाई, मतलब एक चीज़ करे तो थोड़ी देर के बाद मेरे से हो रहे मतलब वो चीज़। और यहाँ पर भाई बम बन के फटना ही गिरा दिया यार मेरे को, गिरा ही दिया उसने यार हट यार। देखते हैं यहाँ पर भाई कितने स्टार मिलेगा मेरे को, 1 स्टार यहाँ पर मिल चुका है, और वो फुल हो जा नहीं हो पाया यार, 1 ही स्टार मिले मेरे को उसके अंदर, अगर फुल होता भाई मेरे को 2 स्टार मिल जाते इसमें भी। और ये फालतू से लेवल वापस आ चुका है 6th मैच के 2nd राउंड के अंदर, मेरा नेट लैग खा रहा अभी भी भाई, मैं फालतू खेल रहा हूँ अभी, मेरे को थोड़ा रुकना चाहिए इसके अंदर ताकि मेरा नेट अच्छा हो जाए। और यहाँ पर भाई चलो 1 राउंड हो गया सही, और ये मेरा भाई मेरा नेट लैग इतना खा रहा है ना कि मैं अगर हल्का से भी लेट करूँगा बहुत ज़्यादा लेट कर देगा, फिर मुझे पॉइंट नहीं मिलेगा इसके अंदर, और ये झटके भी बहुत देता बीच में। तो यहाँ पर भाई 6 राउंड 5 राउंड हो गए, और ये देखो भाई यहाँ पर झटके देने चालू कर दिया इसने यहाँ पर अपने को, अबे करते भाई अबे नहीं कर रहा इसने, अबे उठा ले, अबे उठा ही नहीं रही है, कुछ भी नहीं कर रहा अब तो यार, क्या बेकार नेट लैग खा रहा भाई यहाँ पर फालतू का। और ये लेवल ही बेकार है यार, ये लेवल ही फालतू एकदम हट। और यहाँ पर अब देखते भाई कितना स्टार मिलेगा अपने को, 1 तो मिल जाएगा ऐसा लग रहा है मुझे, हाँ चलो 1 स्टार यहाँ पर मिलेगा क्योंकि अपने यहाँ पर 600 पॉइंट हो गए पूरे, चलो भाई 1 स्टार मिला कम से कम ये राउंड के अंदर अपने को। और यहाँ पर पहुंच चुका हूँ मैं अपने 7वें मैच का आखिरी राउंड के अंदर, जिसका नाम है क्रेजी ट्रेन भाई, 1 नंबर भाई यहाँ पर मेरा नेट लैग सही होगा। यहाँ पर बीच में बस दो मैच के लिए नेट लैग हो रहा था वो, और अभी यहाँ पर एकदम सही हो चुका है, पता नहीं भाई क्या हो गया था गेम के अंदर। याला मैच अब जीतना पड़ेगा भाई, बीच के 2 मैच में हारा हूँ, याला मैच मुझे जीतना पड़ेगा अभी। और अभी भी यहाँ पर मैं ना घूस एक 4 के ऊपर हूँ, मैं 5 के भाई घूस एक 4 बोल रहा हूँ सबसे, मैं उसको घूस एक 5 पे हूँ मैं अभी, उसके अंदर मेरे पास यहाँ पर भाई एकदम आराम से खेलना पड़ेगा, यहाँ धक्का दो धक्का नहीं लगा उसको, कोई बात नहीं भाई एंड में आते हैं ना अपने हाथ में होस्ट करेगा वही फेंक के मारूंगा लोग को। और मुझे लग रहा भाई 10 मैच है ना कुछ ज़्यादा हो गया यार, मतलब 10 मैच सही है, चलो अगली बार से मैं 5 मैच ट्राई करूँगा, लेकिन यहाँ पर 10 मैच भी सही है, इतनी जल्दी जल्दी हार गए 1-2 मैच में तो भाई वीडियो बहुत छोटी बन जाएगी फिर, 10 मैच रहेगा तो अच्छा रहेगा जिसमें से 2-3 तो जीत ही सकता हूँ फिर मैं। और अभी यहाँ पर है ना मैं कितना 6 मैच खेल लिया भाई, 6 में से मैं ना 3-4 हार गया शायद, 2 ही जीत पाया अभी तक का मैं,
और दो तो भाई नेटलेग की वजह से हारा, सीधी बात एकदम नेटलेग वाला था बहुत भारी उसके अंदर, और छः में से मैं दो ही जीत पाया, चार हारा है तो तीन जीत के तीन हारा, ऐसा कुछ तो है मेरे को याद भी नहीं। मेरा नेटलेग आया भाई फिर मैंने बंद ही कर दिया था, अब यहाँ पर आधे एक घंटे के बाद चालू करो तो बराबर चल रहा है अभी, तो एकदम आराम से भाई बम उठाना है मेरे को यहाँ से भाई, बम उठा लिया मैंने अभी, बम फेंक के मारूंगा फिर भाई, बम बन जाऊंगा अभी मैं, और गोल गोल घूमते भाई ये उड़ेगा यहाँ से, अबे उसके नजदीक जा भाई, अरे यार नजदीक नहीं आ पाया उसके, मैं कंट्रोल मेरा आगे पीछे हो गया, और यहाँ पर भाई इसके पैर के नीचे लगाऊंगा, रुको पैर के नीचे लगा दिया लेकिन भाई नहीं उड़ पाया भाई, ट्रेन उसी तरफ जा रही थी, उसको अगर लेफ्ट में उड़ा रहता तो अच्छा रहता भाई, बम फट गया उसके मुँह पे मेरे को लग गया, कोई बात नहीं वहाँ पर एक और बम पड़ा हुआ है भाई, बम उठा के फेंक देंगे उनके मुँह पे अभी, और यहाँ पर अबे मेरे ऊपर मत फेंक देना भाई, फट दिया उसके मुँह पे फाड़ा मैंने, मेरे ऊपर अच्छा वहाँ नहीं फेंका उसने वहाँ पर, एकदम आराम से खेलना अपने को भी, एकदम आराम आराम से खेलो भाई चुपचाप, उठा के फेंक दूंगा उसको, नहीं फेंक पाया भाई, धक्का उक्का मारते रहो, यहाँ पर भाई मछली आना चाहिए भाई, मछली आना चाहिए, मछली आएगा मछली उठा के फेंक फेंक के मारूंगा उस लोग को, पहले वो ट्रैप उठाएंगे अपन, और यहाँ पर भाई गिरेगा भाई यार, अरे हट गया अरे यार हट गया हट गया हट गया, बच गया यार उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा थी, और अबे अबे मछली बाजू में ये, पहले ये लगा लो सिर्फ मछली उठा लो अभी, एक नंबर भाई, अबे छोटा हो गया ये तो, उसको लगेगी नहीं मेरी मछली, इन लोग को मारो यहाँ पर भाई, इन लोग भी बच जा रहे, इले भी कूद कूद के बच गया यार, मेरी मछली वेस्ट हो गई पूरी की पूरी, और वहाँ पर एक और मछली कोने में, यहाँ पर भाई हट जा बम फोड़ दूंगा तेरे मुँह पे, और अब यहाँ पर उसके हाथ में गोला आ चुका है भाई, खतरे वाली बात है लेकिन बचाओ कूद के मछली, अरे अरे अच्छा वो गोल घूम गया था मछली जमाने की जगह में, यहाँ पर आ जाता भाई, कूद रहा बहुत है वो, कूद बहुत रहा है भाई ये, मार उसको एक, चलो एक टुकड़ा कम से कम हेल्थ कम होगी इसकी थोड़ी बहुत, और बम आ चुका है बीच में, बम बाद में लेंगे पहले भाई ये लगा देंगे, उड़ा दिया उसको मैंने वहाँ पर, ये बॉलिंग बॉल उठा लो फेंक देंगे मुँह पे भाई, अरे उसका बम ही हटा दिया मैंने वहाँ से, मेरे को उसको मारना था उसके बम पे लग गया, और यहाँ पर भाई हेल्थ बढ़ाओ चुपचाप, उसकी हेल्थ तो फुल यार, अब तक कोई मारा नहीं गया इसको, धक्का दो इसको भाई चुपचाप, इसको मारो भाई इसकी हेल्थ कैसे फुल अब तक, और गिर गया क्या वो, कोई नहीं गिरा भाई, सात मिनट जिंदा अभी तक, एक जन और यहाँ पर एक और गिर गया वहाँ पर कोने में, एक नंबर भाई गिरा दिया उसने उसको अभी, और एक नंबर उड़ गया क्या, नहीं उड़ा नहीं उड़ा नहीं उड़ा, अभी ऊपर नाम लिखाना चाहिए कि किसने किसको उड़ाया ऐसा, मतलब मैं अगर किसको उड़ाऊंगा तो भाई मेरा नाम लिखाएगा भाई बम उड़ा ले, बम उठा नहीं दे रहे थे इन लोग, और यहाँ पर भाई गलत जगह फोड़ दिया, सामने फोड़ना चाहिए मेरे को, और अबे इन लोगों ने बम की रेंज भी एकदम फुल पे रखे लोगों ने, मतलब कम ज़्यादा नहीं कर सकते हम लोग, सिर्फ गोल गोल घुमा सकते हैं बम को, फेंक दो तरफ और लग गया है उसको, अरे उठा ले भाई बम उठा ले चलो यहाँ पर, वही किनारे भाग गया था मैं यहाँ पर उड़ा दूंगा भाई, लगा ही नहीं उसको, अरे गिर गया एक नंबर गिर गया वो, और अब यहाँ पर एक प्लेयर अकेला बचा भाई, ये बस देखो बम लेके घूम रहा अपने हाथ में, मैं भी ना बम बन के पड़ जाऊंगा यहाँ पर, रुको ये ले नहीं पाऊंगा, तो अभी यहाँ पर बस यहाँ पर ये मेरे को ये उड़ा भाई, अच्छा पिछड़ गया पहले, इससे पहले भी भाई मैं पिछले वीडियो के अंदर आप देखिएगा ना, मैं एक मैच ऐसे हारा था कि मतलब उसने मेरे को उड़ा दिया था वैसे करके, और यहाँ पर मैं धक्का दे चुका हूँ उसको, नहीं गिर पाया लेकिन यहाँ पर ना, अगर यहाँ पर मेरे हाथ में बम लग जाए, बस एक नंबर बम लग गया मेरा भाई, ये जल्दी फेंक दिया, कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था मैं, बस यहाँ पर अभी ट्रेन की पटरी आया पूरी क्या, मछली मारूंगा भाई मछली मारूंगा उसको, मछली से मार दिया एक बार मैंने, और एक और बार नहीं लगा, और हेल्थ कम उसकी बहुत ज़्यादा, और फट चुका है वो, लेकिन अभी उसके उसके हाथ में ममता से बच गया, यहाँ पर भाई फोड़ दिया मैंने उसको, और ये बच चुका उसकी हेल्थ एकदम वाट लग चुकी उसकी हेल्थ की, एक धक्का लग गया ना भाई उसके खत्म हो जाएगा वो फिर, और यहाँ पर आ जाता था इसको उड़ाया, और नहीं उड़ा पाया भाई बाहर, क्या खेल रहा है क्या खेल रहा है वो, इतनी उसकी हेल्थ अगर ज़्यादा रहती ना, यहाँ पर भाई मछली उठाने दे भाई मछली लेने देते, कुछ ज़्यादा ट्रेन फास्ट हो गई अभी, यहाँ पर अब ऑब्स्टेकल का ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पर भाई भाई कुछ नहीं उठाने दे रहा ये थे, पैर पे लगा दो उसके और उड़ा दिया उसको मैंने, और गिरा कि नहीं गिरा, बच गया यार फिर बच गया वो, मछली हाथ में था भाई मछली हाथ में था, और बम उसने और गिर गया एक नंबर भाई, गिर गया एंड में आकर वो, उसने भाई अपना गोला फेंका लेकिन भाई गोला भी उसका टकरा के पीछे हट गया, और वहाँ पर अटक के गिर गया, और मैं जीत गया अपना भाई तीसरा मैच जीत रहा शायद इस बार मैं, पता नहीं भाई, और देखते भाई कितनी रैंक बढ़ती मेरी अभी आगे, चलो यहाँ पर देखते अभी भाई, दो स्टार तो मिल जाएंगे एकदम आराम से क्योंकि मैं जीत गया था, और तीन नहीं मिल पाएंगे यार, और दो यहाँ पर मिल गया, अभी मैं यहाँ पर बूथ से एक फोर पे आ सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन देखते अभी क्या होता है अगले मैच में, और आ चुका है पर अपना आठवें मैच का चौथा राउंड यहाँ पर आ गया है, एरोडिंग आइलैंड या तो एरोडिंग आइलैंड ऐसा कुछ नाम है इसका, मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है यहाँ पर, आप लोग सही कर देना कमेंट में, यहाँ पर एकदम आराम से खेलना मुझे अभी, ये भी भाई ये गेम की एक बात अच्छी है ना, आखिरी राउंड हमेशा एलिमिनेशन में आ पाता है, इसमें रेसिंग मैप नहीं आता है, रेस में आ पाता है, यहाँ पर इसको उड़ाओ पहले, यहाँ पर इसको कोने में ही उड़ेंगे अपन, अबे गलत जगह फेंक दिया भाई, क्या बेकार यार ये, मैं टच करके छोड़ दिया, मुझे लगा उसके मुँह पे फेंकेगा, और यहाँ पर भाई गोला लेके मेरे पीछा का एक आराम छोड़ दिया भाई चुपचाप, और यहाँ पर थंडर बोल्ट आएगा भाई, बीच में टॉर्नेडो आ रहे थे, अब थंडर बोल्ट आ रहा है यहाँ पर, थंडर बोल्ट भी अच्छा है इसके अंदर, उड़ा तो उसको उड़ा ही दूंगा उसका भी आगे करके, क्या गलत जगह उड़ाया मैंने भाई, बर्फ में जमा दिया भाई, अबे निकल जा भाई कोई मारना नीचे, यहाँ पर मेरी हेल्थ की बात लग गई अभी, याला मैच में हार जाऊंगा भाई, याला मैच में हारूंगा, मेरी हेल्थ देखो यहाँ पर, मैच चालू हो गया अभी एक मिनट हुआ नहीं भाई, मेरी हेल्थ एकदम खराब होने लग गई, और मछली लेके आ रहा भाई दूर भागो इससे, और ये भाई एक नंबर यहाँ पर फेंक दूंगा, अब क्या गंदा फेंका भाई, अच्छा लेकिन उड़ा वो उड़ तो गया कम से कम, अब वो भूत वाली एबिलिटी फेंक रहा था क्या, मतलब खींच लेगा अपने अपने को अपनी तरफ, मतलब खुद उड़ के आ जाएगा अपने मुँह पे और मारेगा खींच के खिलाफा, तो हम लोग गिरेंगे दूर, तो यहाँ पर अबे बिजली पर फंस चुका, मारो उसका, अबे उड़ा दिया यार, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अभी भी तीन मछली जिंदा है अपनी, उड़ा देंगे इसको, चल दुर्भाग्य मारो भाई मछली से मारो इसको, जितनी हेल्थ रहेगी भाई उतनी जान लगा देंगे अपन, कूद के हटो ऐसे, और क्या मारा भाई क्या बुरा मारा उसको उसने वहाँ पे,
ये मैं बोल रहा था ना गोस्ट वाली एबिलिटी भाई, क्या घुस के देता सीधा वो। ये एबिलिटी तो अच्छा रहेगा लेकिन मतलब लगना चाहिए सामने एकदम मुंह पे आके। और यहाँ पर अभी दो ही लोग बचे हम लोग पर, दो ही लोग बचे यहाँ पर। और क्या बुरा बुरा मारा भाई वो, हेल्थ लेने को मेरे को अपने यहाँ पर, हेल्थ यहाँ पर ले लेता हूँ अभी मैं। और यहाँ पर भाई जूस पी के छोटा हो जाओ, और उसके पैर पर लगा दूंगा जाके, ये उसके पैर पर लगाना मुझे एकदम आराम से भाई। अरे गला चक्का लगा दिया लेकिन धक्का लग गया उसको मेरा, उसकी भी हेल्थ कम है भाई, मेरी भी हेल्थ कम है। और भाई बम बम दबा के फेंक रहा भाई, बम बारूद लगा के रखा उसने अपना। अरे दूर भाग गया वो, दूर भाग गया। यह वाला मैच जीतना भाई, मेरे को स्टार्टिंग में लग रहा था मैं हार जाऊंगा लेकिन भाई मेरी हेल्थ अभी अच्छी खासी। और मैं यही बोल रहा था कि मतलब उसकी जो एबिलिटी ना अच्छी है लेकिन ना उसको एकदम ऐसा एक्यूरेट लगानी पड़ेगी। और यहाँ पर भाई ये फोटो का तोड़ जाएगा भाई, और फट गया यहाँ पर, उड़ चुका है वो और गिर गया यहाँ पर भाई। मैं एक और मैच अपना यहाँ पर जीत चुका हूँ एकदम अच्छे से, और इस बार देखते हैं भाई मेरे को यहाँ पर 3 पॉइंट जरूर मिलेंगे इस बार ऐसा लग रहा है मुझे, लेकिन फिर भी देखते कितने पॉइंट मिलेंगे मेरे को अभी। तो यहाँ पर देखते हैं अभी भाई 2 पॉइंट तो आराम से मिल जाएंगे अपने को, और 3 नहीं हो पाएगा यार, सिर्फ 30 पॉइंट रहेगा, 3 स्टार मिलते मेरे को यहाँ पर अभी। लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ गूस एक 4 पे आ गया यहाँ पर भाई, एक नंबर चलो भाई, फटका फटाक से रैंकिंग बढ़ाया मैंने इतनी ज्यादा अपनी। अब मैं पहुंच चुका हूँ वो मैच के तीसरे राउंड के अंदर भाई, टीम ऐप आ गया इस बार एकदम। ये ना ये मैप एक नंबर भाई, इसमें अपना पॉइंट उठा के डालना पड़ता अपने उसके अंदर, जैसे वो फॉल गाइस के अंदर है ना अंडे जमा करने का, वैसे इसके अंदर अपना पॉइंट उठा के फेंको अंदर। और स्टम्बल गाइस वाले पता नहीं ऐसा टीम मैप भाई, टीम मैप बोलो ना आखिरी डालते इसका, ये रॉकेट रॉयल क्या नाम है उसका, रॉकेट नाम है, रॉकेट लीग ऐसा कुछ नाम है उसका भाई, वो मैप डाले आखिरी बार वो लोग ने। उसके बाद कोई टीम मैप आया नहीं इनका, क्योंकि भाई इसके टीम मैप को इतनी गाली देते ना गेम वाले कि मतलब वो लोग ने डाले मैप, मिसाइल वो सब मार सकते लेकिन भाई जंप का बटन नहीं। और यहाँ पर अभी रुको, कूद के फेंको क्या उस तरफ, और यहाँ पर अभी एक नंबर भाई, एक नंबर चोरी का रास्ता यहाँ पर मैंने बनाया, यहाँ पर भाई आगे घुस के यहाँ पे 3 पॉइंट लेके भाग जाऊंगा इन लोग के। और हम लोग यहाँ पर भाई उठा ले भाई, अरे उठा ले मेरे भाई, अरे उठा, अब उठा रहा भाई, 3 बार दबाने के बाद उठा रहा है ये। और उन लोगों को भाई भनक तक नहीं लगेगी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर आके, 3 पॉइंट लोग खा गया यहाँ पर मैंने, 9 से 6 कर दिया उन लोगों के पॉइंट। और अब बस मुझे यहाँ पर भाग रहा, अच्छा हुआ भाई मैं गिरा नहीं यहाँ पर, नहीं तो मैं गिर सकता था यहाँ पे। और ये देखो बम लेके आ रहे हैं यहाँ पर अपने ऊपर फोड़ने के लिए, लेकिन भाई क्या ही कर लेगा, तो कुछ नहीं कर पाएगा भाई, कुछ नहीं कर पाएगा। यहाँ पर उन लोगों के 3 पॉइंट लगा अपने, 12 पॉइंट कर दिया मैंने यहाँ पे। अब मछली से मार के भगाऊंगा, अभी पॉइंट लेके भाग रही है, इसको मारो भाई, इसको मारो, इसको मारो भाई, ये कहाँ जा रहा है। देखो ऊपर आएगा, अभी ऊपर आएगा ना, ऊपर आएगा इसके मुंह पे मार दूंगा अभी, आने दो उसके ऊपर। अबे कूदा ही नहीं भाई हम लोग, अबे यार हम लोग डब्बे छीन सकते हैं इससे, ये यार अबे चढ़ जा भाई, अबे भाई यार 3 पॉइंट लेके भाग गया वो वहाँ से, वो 3 पॉइंट लेके भाग गया वो, उसके पीछे भागना पड़ेगा अपने को भाई, पॉइंट लेना अपने को वापस। और पॉइंट भाई छीन सकते हैं यहाँ, उसको उठाना पड़ेगा मेरे को। और यहाँ पर भाई गिरा, अभी उठा भी लेगा, उठा भी लेगा वहाँ से वो, और लेके भाग गया अंदर। अबे अबे लेकिन भाई अबे हार देंगे अपन, 15 पॉइंट हो गए उन लोग के, मेरे को निकालना पड़ेगा एक डब्बा यहाँ से बाहर, एक डब्बा अब 16 कर दिए भाई लोग ने यार डब्बा, मैं भाई 1 पॉइंट लोग का बाहर निकाल लेता यार, अच्छा खासा टाइम मिल जाता, हार गया यार एक और मैच हट। और आप देखते हैं यहाँ पर कितने स्टार मिलेंगे अपने को, एक भी नहीं मिला यहाँ पर, एक मिल जाएगा, चलो एक मिल जाएगा, 600 पॉइंट हो गए अपना, तो एक यहाँ पर मिल गया अपने को स्टार। आप देखते हैं भाई आखिरी मैच बचा भी अभी अपना, देखते हुए उसके अंदर भी। तो भाई यहाँ पर इनका सीजन एंड हो चुका है, अभी अभी गेम चालू कर अपना, तो यहाँ पर भाई लिख के आ गया था कि तुम्हारा सीजन एंड हो गया, और यहाँ पर मुझे 160 यहाँ पर बैच मिल गया यहाँ पर। और अब पता नहीं भाई लोग मेरी नवी रैंकिंग कितनी रखेंगे। और यहाँ पर मैं चिकन एक भाई लेवल 4 पे आ गया, चिकन एक लेवल 4 पे आ गया। और यहाँ पर भाई मतलब मैंने इतनी मेहनत करके भाई गया था घूस एक 4 पे, और अब यहाँ पर मेरी रैंक यहाँ पर गायब हो गया आ चुके चिकन एक 4 पे, लेकिन भाई मजा आ गया यहाँ पर, मैंने 9 मैच खेला था बस। और मुझे पता नहीं था कि लोग आज के आज यहाँ पर रैंकिंग बदली कर देंगे, और यहाँ पर अभी नया पास आया रहेगा उसके अंदर है ना अलग सीजन की रैंकिंग भी लिखी रहेगी कि कब वो सीजन खत्म होगा, तो भाई मेरे को कोई टेंशन नहीं उसका कभी भी खत्म हो। और है ना लोग की भाई पता नहीं स्टम्बल गाइस वाले रैंकिंग का ऐड करेंगे, गेम आके भाई 2 साल हो गए लोग ने अभी तक टीयर ऐड नहीं करे, पहले लोग बोलते थे टीयर ऐड कर दो तो लोग बोलते थे भाई बहुत कम प्लेयर है हमारे उसमें तो हम लोग ऐड नहीं करेंगे। और देखो नया स्टम्बल पार्टी पास है इसके अंदर, पार्टी पास बोलते हैं इसको लोग। और यहाँ पर ये खत्म होएगा अभी 29 जून को खत्म होगा ये, तो भाई वो टाइम तक अपने को फीनिक्स एग जाना है अभी। और आप भाई पता नहीं कहेगा इस बार देखते इस महीने में कितने रैंकिंग में आगे जा पाता हूँ आगे, तो आज आज लोग अगर आप पास वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मैं आपको मेरी एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय।